क्या तलाश कर रही है तारा? मेरी डायरी थी अब्बा जी। क्या चाहिए? मेरी डायरी देखी अब्बा? कैसी जल थी? ब्रा, आसम के पास होगी। मेरे कमरे में आपकी डायरी का क्या काम है? ये रही तेरी डायरी। थैंक यू अब्बा जी। ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये सितारा की मिजाजदारियाँ कौन सहेगा? आपका दोस्त मान जाए 30,000 पर तो ठीक है, मैं उनकी फिल्म के गाने गा दूँ। चलो। ये कहाँ मैडम? हॉस्पिटल और कहाँ? ये कौन से हॉस्पिटल जाना? किसी भी हॉस्पिटल जो करीब में हो। क्या आप इस पे मुझे अपना ऑटोग्राफ दे सकती हैं? प्लीज। आपको चोट तो नहीं आई? जी नहीं। लेकिन इस तरह चलती गाड़ी के सामने क्यों आए? बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन अखबार में खबर तो छप जाती। गुलरुख सिकंदर मायानाज गुलूकारा सितारा जहां की गाड़ी से टकरा गया। मेरी तस्वीर छपती आपके साथ। खुदा की कसम, मर जाऊं लेकिन मशहूर हो जाऊं। तुम्हें अखबार में छपने का बहुत शौक है। किसको नहीं होता। लेकिन इतना बड़ा ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? आपका ऑटोग्राफ लेने के लिए प्लीज। ऑटोग्राफ तो बड़ी आसानी से भी मिल सकता था। ऑटोग्राफ के साथ कोई पर्सनल वाकया, कोई हादसा शामिल ना हो तो वो कब्र पे लिखे हुए कतबे की तरह बेजान होता है मैडम। मैं ऐसे ऑटोग्राफ नहीं लेता। पेन देना। अपने किसी गीत का मुखड़ा भी लिख दीजिए प्लीज। आपको मेरा कौन सा गाना पसंद है? आपका कौन सा गाना ऐसा है जो मुझे पसंद नहीं? फिर भी कोई खास? अगर है दिल तो दिल लगी भी चाहिए कि हर दिए को रोशनी भी चाहिए। अगर है दिल तो दिल लगी भी चाहिए के हर दिए को। गुस्ताखी माफ। थैंक यू वेरी मच। कोई बात नहीं। अगर आपको कोई फोन करे तो क्या आप उससे बात कर लेंगे? हाँ क्यों नहीं। और अगर आपका कोई जुनूनी फैन आपसे कभी मिलना चाहे तो?
हाँ ये जरा मुश्किल है। ड्रामा करने के लिए आई एम सॉरी, और ऑटोग्राफ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गुलरुख सिकंदर, थैंक यू वेरी मच। लिसनर्स, हमारे साथ हैं बहुत खूबसूरत आवाज की मालिक सितारा जहां जी। सितारा जी, आपने इस मकाम तक पहुंचने के लिए बेपनाह मेहनत की होगी, हजारों दीवाने हैं आपकी आवाज के। कुछ हमें बताएंगी इस सफर के बारे में? जी आशा जी, शौहरत और दौलत का कोई सेट असूल नहीं है। खासकर शोहरत का। कुछ लोग सारी जिंदगी कोशिश करते रहते हैं, उनमें टैलेंट भी होता है मगर वो मशहूर नहीं हो पाते। कुछ लोग अपने आप से छुपते फिरते हैं और वो सूरज की रोशनी बन जाते हैं। जहां वहां सब दरवाजे खिड़कियां खुल जाती हैं उन पर। लेकिन क्या जिद्दोजहद से कुछ हासिल नहीं होता? होता है, बहुत कुछ हासिल होता है। जो कुछ इंसान के बस में है
वो हासिल होता है, शोहरत, दौलत, मोहब्बत, शराफत, सब। सितारा जी, बहुत ज़ाती सवाल, आपने तालीम कहाँ तक हासिल की? जी, मैंने बीए किया है, फलसफा और हिस्ट्री मेरे सब्जेक्ट्स थे। आहा, जबरदस्त। अच्छा, तो ये कैसे ख्याल आया कि आप प्लेबैक सिंगर बन सकती हैं और इस लाइन को आपने अडॉप्ट कर लिया? दरअसल मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। हाँ, तो वो करियर क्यों नहीं अपनाया फिर? अव्वल तो सच्ची बात यह है कि मुझे मुझे पढ़ाई में इतनी दिलचस्पी ना थी जितनी के एक डॉक्टरी के तालिबे इल्म को होनी चाहिए। इसलिए मैं मेडिकल कॉलेज में दाखिल ना हो सकी। अंदर की आवाज बहुत खराब होती है। आशा जी, आपको अंदर से कभी आवाज आई? कैसी आवाजें? ऐसी आवाजें जैसे ऊंचे पहाड़ों पे गूंज पैदा होती है, आवाज रह जाती है मगर बात समझ में नहीं आती। और क्या पूछना चाहती हैं आप? ये जो आपने प्रोफेशन चुना है सिंगिंग का, तो इसके क्या मुहरकात हैं? मैं जब बीए फाइनल में थी तो मेरा कमरा छत पर था। मैं पढ़ने के लिए बाहर शहनशीन पर बैठा करती थी, गुनगुनाया भी करती थी, गाया भी करती थी। हमारे पड़ोस में मास्टर फजली रहा करते थे, छड़ी हाथ में थी, रास्ता टटोलते हुए एक रोज मेरे घर आए और मुझे अपनी शागिर्दी में कबूल कर लिया। सितारा, मैंने सुना है कि आपके घर वालों ने आपको आग कर दिया है। मेरे घर वाले बड़ी ऊंची नाक वाले थे। पहले तो उन्होंने मेरे शुगर पर बहुत एतराज किए, लेकिन जब मैंने फिल्म के लिए गाना गाने का फैसला किया तो घर में बड़ा हंगामा हुआ और मैं घर से निकाल दी गई। फिर मास्टर फजली ने मुझे अपने घर में बना दी, बेटी बना लिया। फिर उन्हीं के कुंभे के साथ मैं यहां आ गई।
लेकिन अब तो वो आपसे मिलना चाहते होंगे, क्यों सितारा? शायद अब वो लोग मुझ पर फखर करते हो, लेकिन वो बहुत गैरत वाले थे। अगर मेरी मां जिंदा होती तो शायद वो गैरत की परवाह ना करती। अगर दुनिया में मां ना हो तो खामखा बुलाने वाला कोई नहीं रहता। गलत बात पर हां करने वाला खत्म हो जाता। ओहो, अरे मैंने तो आपको भी उदास कर दिया। सितारा जी, अच्छा खैर, हम बात करते हैं आपके उस्ताद साहब फजली साहब के बारे में। उनकी शख्सियत पर कुछ रोशनी डालिए। वो तो उस्तादों के उस्ताद हैं। सुरों का इस कदर खजाना है उनके पास, इल्म का खजाना है, बादशाह है सुरों के जनाब। हाँ, और ऐसा क्या कि वो रेडियो पे भी कभी नहीं गए, टेलीविजन पे भी कभी तशरीफ नहीं ले गए, और फिर उन्होंने अपनी कोई सीरीज और केसेस भी बनाने में मैंने सुना है इनकार कर दिया है? जी, उनका कुछ अजीब मिजाज है, परिंदों जैसा। आशा जी, वो कहा करते हैं कि आवाज इसलिए नहीं होती कि उसे टेपो में बंद कर दिया जाए, ये तो हवा में बिखरने के लिए है। आपकी तो 100 से ज्यादा सीडीज और कैसेट्स हैं, तो इस पे उन्होंने इतराज नहीं किया? क्योंकि वो अंदर ही अंदर से जानते हैं कि ना मैं रहूंगी और ना मेरे सीडीज एल्बम्स, कोई और लहर आएगी उनको अपने साथ बहा कर ले जाएगी। मैं हूं तो सितारा, लेकिन सियारे किसी जिंदगी बसर कर रहे हूं। कुछ देर रोशनी रहेगी, फिर बस बस। सितारा, इतनी मायूसी अच्छी नहीं होती। कुछ लोगों का काम अबद तक कायम रहता है। जी हाँ, कुछ लोगों का, सिर्फ कुछ लोगों का। सामईन, क्यों ना आपको एक बहुत अच्छी गजल सुनाई जाए। इनकी नई गजल है सितारा जहां की आवाज में, और फिल्म का नाम है चिंगारी, जिसके लिए इन्होंने रिकॉर्ड करवाई। तो आइए सुनते हैं। सोचूं तो वो साथ चल रहा है, सोचूं तो वो साथ चल रहा है, देखो तो नजर बदल रहा है। पिया नाम का दिया, पिया नाम का दिया। Thank you.
मैडम। आप तो जानते हैं मास्टर जी, मुझे गले की एहतियात करनी पड़ती है। पान खाने बाद में। ओए बिल्लू, ओए जल्दी से एक बराबर का पान लगवा कर ला। अच्छा अब्बा। ओए क्या रौला पा रखा है तुमने, बाहर दफा हो जाओ। ओ बिल्लू जल्दी से पान लेकर आ, जाओ बाहर दफा हो जाओ। ये आपकी बड़ी तारीफ करते हैं मैडम जी। आज जब गाने की टेक शुरू हुई तो मैंने पूछा मास्टर जी नहीं आए, मुझे तो अख्तर ने बताया कि आप तो बीमार हैं। तबले पे कौन था? कोई नया लड़का है लेकिन अभी कच्चा है, लय में रुचाव पैदा नहीं हुआ। अपने माझे का लड़का होगा फिरोजा। अच्छा। वो फैजी साहब की खिदमत में रहता है, दूर निकल जाएगा। आप देखेंगे फैजी साहब अगर किसी पे मेहरबान हो जाएं तो उसको तो हद से आगे निकाल देते हैं। आपने किसी डॉक्टर को दिखाया लतीफ साहब? किसी डॉक्टर के पास जाएं तो 400-500 रुपए का नुस्खा हो जाता है, ब्लड टेस्ट एक्सरे कोई एक टंटा है। इसकी माँ ने एक दवाई बनाकर दी है, पी रहा हूँ, देखें शिफा होनी हुई तो हो जाएगी। रब सच्चे की करम नवाजी, जिस पे चाहे कर ले। फिर भी डॉक्टर को तो दिखाना चाहिए, जितनी देर पड़े रहेंगे रोजगार पर असर पड़ेगा। हाँ जी क्यों नहीं, अब ना तो 15 दिन से किसी फंक्शन पे बजाया है, ना ही स्टूडियो की कोई बुकिंग मिली है। रेडियो के भी हम कैजुअल आदमी हैं, कोई रेगुलर तो है नहीं। बस मैडम जी धड़का सा लगा रहता है, अफसरों का क्या एतबार, जब जी चाहे निकाल दे। खैर आप जैसा आर्टिस्ट कहाँ मिलेगा रेडियो को, उसकी तो आप फिक्र ही ना करें। बड़े सर जी बड़े, बहुत मिल जाएंगे मुझसे अच्छे। ये कोई BAMA नहीं है मास्टर जी, कैसे लोग थोक के भाव खरीद सकें। तबला नवाजी के लिए एक उम्र चाहिए, टैलेंट चाहिए, मिजाज चाहिए। आपको तो खुद अपनी वैल्यू का पता नहीं है। मैडम अगर आप फैजी साहब से मेरी एक सिफारिश कर दें तो मैं बड़ा शुक्रगुजार होंगे। जी मास्टर जी ज़रूर। वो भट्टी साहब फिल्म बना रहे हैं पंजाबी की, वो फैजी साहब का म्यूज़िक लेंगे मुझे पता चला है, अगर वो मुझे अपने बैच में रख लें। अच्छा अच्छा ज़रूर कहूँगी। देखिए मास्टर जी कल मैं अपना ड्राइवर भेज दूँगी, आपने सीधा मेरे डॉक्टर के पास जाना है। बहन जी ये आपकी जिम्मेदारी है। आप फिक्र ना करें मैं खुद लेकर जाऊंगी मैडम जी। अच्छा मास्टर जी खुदा आपको सेहत दे। अस्सलाम वालेकुम। खुदा हाफिज बच्चों। ठहरिए मैडम मैं छोड़ आता हूँ बाहर। ना ना मास्टर जी आप आराम करें, बिस्तर से ना उठिए। अल्लाह नैन प्राण सलामत रखे, हयाती लंबी हो, जुग जुग जियो मैडम जी। अल्लाह तरक्की दे, इज्जत दे, दौलत दे, इतना दे जितना खूह में पानी। बस अब आपने बोलना नहीं प्लीज। मैं कल खुद आती लेकिन मेरी कल रिकॉर्डिंग है, फिर शाम में शाजी की फिल्म की ओपनिंग भी है। बस अब आपने इनका ख्याल रखना है। अगर बाप पी लेता तो क्या होता पता नहीं, बाप भी मार रखा है। इधर आओ।
जरा भी परवाह नहीं है। तुम तो अपनी खुशियों में मगन रहते हो, अपनी खुशियां खुद पी लो, बाप ना पिए तुम्हारा। तारा क्या है आपा? दरवाजा तो खोल। आपा मैं बहुत थक गई हूँ, सर में बहुत दर्द हो रही है। तुम्हारा तो हर वक्त सर में दर्द रहता है। वो किसी सिकंदर का फोन आया था आज तेरे लिए, फिर कहती है मुझे कोई पैगाम नहीं देता। कौन सिकंदर? मैं नहीं जानती किसी सिकंदर को। है वो तो कह रहा था तूने खुद उसको फोन करने के लिए कहा है। झूठ बोल रहा होगा। झूठ बोल रहा होगा? घर का नंबर किस किस को देती रहती है? आपा प्लीज, मेरे सर में बहुत दर्द है।
काम यहाँ क्या हुआ तुम्हें पिछले चंद दिनों से? क्या हुआ? अच्छा कितने गाने गाए थे पिछले हफ्ते? 22 22 Don't you think so? You are overdoing it? दलदल एफी दलदल एक बार पांव अंदर चला जाए फिर धंसता ही चला जाता है आदमी. Oh please तारा, be fair to yourself. इतनी सारी मेहनत इतना सारा काम किसके लिए? Do you wish to kill yourself? मैं बेबस हो जाती हूँ. कभी कभी खुदा की कसम मैं और काम नहीं उठाना चाहती. इतनी कमजोर धुनें होती हैं, चरबा गाने भी गाने पड़ते हैं, लेकिन इनकार नहीं किया जा सकता. बट वाई, क्यों क्यों नहीं किया जा सकता इनकार? बस कभी म्यूजिक डायरेक्टर के साथ पुरानी मेल मुलाकात और कभी प्रोड्यूसर के साथ एहतराम का रिश्ता. बस उनकी शक्लें देखकर मुझे तरस आ जाता है. When will you grow up? तरस आ जाता है ना मुझे, जैसे पहाड़ों पे अचानक बारिश नहीं आ जाती. मुझ पे तो कभी तरस नहीं आया. तरस ना आया होता तो हम यूं ही अच्छे दोस्त ना होते. अगर इस तरह देख ले तो उसे ये तो नहीं लगेगा कि तुम फिल्म के इतने बड़े हीरो. तो क्या समझेगा वो? स्पॉट बॉय हो तो समझता रहे. भाई मुझे तुम्हारे लिए स्पॉट बॉय बनना अच्छा लगता है. मैं अभी आते हुए सोच रहा था कि तुम ऐसे करो कि हफ्ते दो हफ्ते के लिए ना लाहौर से बाहर चले जाओ, रेस्ट लो. शायद शायद क्या, मैं तो कहता हूँ किसी पहाड़ पर चले जाओ, बड़ा मजा आएगा घूमना फिरना, रिलैक्स करना. हाँ हो सकता है. क्या हो सकता? अरे यार जब तक अपना लाइफस्टाइल नहीं बदलोगी जिंदगी में कुछ नहीं बदलने वाला. लाइफस्टाइल से तुम्हारी क्या मुराद है? लाइफस्टाइल से मेरी मुराद ये है कि देखो जैसे एक शख्स है जो 7 बजे सोता है, सुबह 4 बजे उठ जाता है, अच्छा नाश्ता करता है, कचना गोश्त उसे बहुत पसंद है, अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छी किताबें पढ़ता है, किसी औरत के साथ उसके कोई ताल्लुकात नहीं है, और अगर वो दोस्तों को भी मिलता है तो अपने ही घर पे मिलता है, ये उसका लाइफस्टाइल है. हाँ लेकिन मेरा लाइफस्टाइल तो दूसरों के रहम करम पर है. ग्रो अप तारा, ग्रो अप प्लीज. अपनी जिंदगी का पैटर्न बदलो. जिन लोगों से मिलना चाहती हो, दोस्तों से मिलना चाहती हो, उनसे मिलो. लीव द रेस्ट. जब सोना चाहती हो सो जाओ, जब उठना चाहती हो उठो. बहुत मुश्किल है फी, बहुत मुश्किल. इंसान दूसरों के साथ रहकर उनको खुश करने की आरजू दिल में पालकर इस नुक्ता नजर के साथ कि दूसरों को कोई तकलीफ ना मिले, वो अपना लाइफस्टाइल नहीं बदल सकता. तो फिर ऐसा करो कि खुदकुशी कर लो. और खुदकुशी करने का सबसे आसान तरीका यह है कि 4 तोले जहर मंगवाओ और खा लो. फिनीतो, फिनिश्ड. अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार भाई. वालेकुम सलाम. एमडी साहब कह रहे हैं कि आप आए हुए लेकिन हमसे मिले नहीं.
अच्छा उनसे कहिए कि आता हूँ अभी थोड़ी देर में। ये बकबक है शोबिज़ की, हर वक्त की ये बकबक चिकचिक चलती रहती है। आप पब्लिक प्लेस पे घूम फिर भी नहीं सकते, पब्लिक प्रॉपर्टी बन के रह जाते हैं। मैं आया उससे मिलके। इफी, अपना लाइफस्टाइल बदलो। वन आप वापस आके बदला लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी।